राधे राधे। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्रघंटा यानि सुंदरता। इस जगत में, पूरे विश्व में, हमारे आसपास जो भी सुंदरता दिखाई दे वो माँ भगवती के वहाँ होने की वजह से है। यानि जगत की सुंदरता है, वहाँ माँ भगवती का स्थान है, इसीलिए है। क्या हमें किसी शव में सुंदरता दिखाई देती है? किसी मुर्दे में हमें सुंदरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ की वो जो चैतन्य शक्ति है वो नहीं रही, वो चली गई है। वही चैतन्य शक्ति माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। और हम जो भी देखते हैं, फूल है, फल है, इन नवरात्रियों के दिनों में जो भी माँ भगवती को हम समर्पित करते हैं, उन सब की सुंदरता माँ भगवती के वहाँ होने मात्र से है। जब हम कुमकुम समर्पित करते हैं तो अनुभव करें कि हमारे भीतर की जो सौभाग्य की सुंदरता है वो हम माँ भगवती के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम फूल समर्पित करते हैं तो अनुभव करें हमारे भीतर भी ऐसी ही कोमलता रूपी सुंदरता है, वो हम माँ भगवती को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम फल और अन्य धान्य कुछ समर्पित कर रहे हैं तो हम अनुभव करें हमारे ही भीतर फल रूपी जो भक्ति है, परिपक्व भक्ति, उस भक्ति का सुंदरता अनुभव हम माँ भगवती के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जब कोई भी सुंदरता हमें दिखाई देती है किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, तो हम वो पाना चाहते हैं। और जब हम उसे पाना चाहते हैं या उसे हथियाना चाहते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। तो नियम क्या है? प्रकृति का नियम है कि जहाँ सुंदरता दिखाई दे उस पर अधिकार जमाने की चेष्टा ना करे, उसको समर्पित हो जाए। जब हम समर्पित हो जाएंगे तो वो सुंदरता अधिक बढ़ेगी, अधिक निखरेगी। तो यही सृष्टि की सुंदरता माँ चंद्रघंटा है। आइए हम हमारे भीतर की सुंदरता का अनुभव करें और माँ भगवती आज के दिन चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उस सुंदरता को समर्पित जाए। राधे राधे।